राव दान सिंह तो पर्यटक हैं यहाँ, मैं तो 24 घंटे यहाँ रहता हूँ। नरेंद्र मोदी को कोई गाली देता है तो गरीब आदमी ये गाली अपने आप को समझता है। अब लोग देखने आते हैं 30 एकड़ ज़मीन में 40 फुट गहरा 1 करोड़ लीटर पानी रोज़ वो स्कीम सप्लाई कर रही है 27 गांव 9 ढाणियों को। हरियाणा में इससे बड़ा पानी का स्टोरेज और कहीं नहीं है। ममता दीदी है, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, कुल मिला के 9 साल में कोई आदमी लेखा जोखा करे, इन सब में एक बात कॉमन फैक्टर है कि नरेंद्र भाई मोदी को बेहुदी से बेहुदी गाली कौन दे सकता है, इसमें एक कंपटीशन हो रहा है। बोले तू के बात कर रहे हो सा बाबा, बाबा तो हमारी भैंसियाँ का सिंगा नहीं पिछाने से। जब भी कोई मंत्री जिले में आता है तो अपने घर आता है, और कमल गुप्ता तो बहुत अजीज हैं, नगर पालिका में बजट के कारण कोई काम हम रुकने नहीं देंगे। कल परसों बजट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे स्पेशल रमेश सैनी ने कहा कि नगर पालिका में बजट नहीं है। पीछे जो नगर पालिकाएं थी उन्होंने बहुत चालाकी से चतुराई से सारे बजट को खुर्द-बुर्द कर दिया। कुछ अधिकारी ऐसे आए जिन्होंने ठेकेदारों की इन एडवांस पेमेंट कर दी, काम शुरू नहीं हुआ, काम आधा अधूरा है, क्वालिटी ऑफ जॉब इतना निकम्मा है, पर फिर भी आप जानते हैं ना, एक भ्रष्टाचार के तहत इन एडवांस पेमेंट कर गए। अगर बात करें खोखा व्यापारियों की, चुनाव नगर पालिका था उससे पहले आप गए थे, आपने धरना समाप्त भी करवाया था, लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं, उन्हें कोई जगह नहीं। उनका ना पिछली नगर पालिका की बैठक में जिनके पास नगर पालिका की पर्ची थी उनको सबको अल्टरनेट जगह नगर पालिका देगी, ये नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर दिया। हर विधानसभा में सारे रोड बनाए जा रहे हैं, इधर 148 भी होता था, उधर 152 नहीं बन गया, फिर नेशनल हाईवे नंबर 11, लेकिन इस तीनों को जो रोड जोड़ता है अटेली महेंद्रगढ़ रोड, उसका बड़ा बुरा हाल है। हाँ। उसके बारे में कब सोचा जाए? लोगों का कहना है कि पिछली बार जब चुनाव था तब IMT आई, और अब की बार जब चुनाव होगा तब फिर से IMT की बात करेंगे, तो इस बात को आप कैसे गलत साबित करें? किसी ने माड़ पे लेके बो रखा है, उन किसानों को कैसे सरकार सुविधा दे? नहीं, जो फसल का प्रदीप आप जानते हैं कि गिरदावरी, जो स्पेशल गिरदावरी हुई है वो गिरदावरी गिरदावर पटवारी और जोता, वो खेत की म्याड़ पर खड़े होकर के उनको लिखना होता है कि ये खेत, ये खेवट नंबर, ये खसरा नंबर राम सिंह ने बोया है। गिरदावरी, मौके की गिरदावरी, और जो फसल को ओलावृष्टि से अतिवृष्टि से जो हानि होती है और उसकी जो स्पेशल गिरदावरी होती है वो खेत में खड़े होकर के गिरदावरी होती है, और जिसने फसल बोई है उसके नाम वो गिरदावरी होती है। सर, जैसे आज मंत्री जी यहाँ पे आए, सतनाली मंडी का दौरा किया, इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, हरियाणा के कृषि मंत्री श्री JV दलाल मेरे परम मित्र हैं। ओलावृष्टि हुई तब भी मैंने उनको बुला के 15 गांव में तुरंत उन्होंने जो फसलों को हानि हुई उसको देखा, निम्बी में, दूलोठ में, पल पाड़, बैरावास, गडानिया, खेड़की, नहलावास, गुलावला और खैरोली, नांगल सिरोही, डेरोली जाट, कोथल खुर्द, ये सब गांव में उन्होंने अपनी आँख से फसल की बर्बादी को देखा। जिस जिस गांव में भी ओलावृष्टि से फसलों को हानि हुई, बुडीन में, बड़ाचा में, मालड़ा में, बुआणा में, बसई में, खुड़ाणा में,
जाट में, भूरजट में, इन सब गांव में मैंने अधिकारियों के साथ दौरा किया। आज भी उसी संदर्भ में सतनाली मंडी चालू नहीं हो रही थी, यहाँ की आड़तियों की कुछ शिकायत थी, तो यहाँ आज वो स्वयं आए, सबसे उनकी समस्याएं सुनी और सतनाली को नई मार्केट कमेटी बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया। सतनाली में नई अनाज मंडी, बाहर एक शेड और जो अनाज मंडी में सुविधाएं होती हैं उसके लिए भी उन्होंने वचन दिया है। मुआवजा जो मिलेगा वो किस प्रकार से सरकार देगी? मुआवजा महेंद्रगढ़ तहसील में 85 गाँव में और 80% से ऊपर खराबा दिखाया है। बीच में 3 बार महेंद्रगढ़ विधानसभा में ओलावृष्टि हुई है, तीनों बार, एक बार किसानों ने वो शिकायत की पोर्टल नहीं खुला है, तो 5 तारीख को कैरू में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे और उनसे मैंने ये आग्रह किया था, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पोर्टल को खोल दिया जाए, तो पोर्टल उस समय खुल गया था। मुझे उम्मीद है और मैं लगातार कोशिश में हूँ कि किसान को पूरा मुआवजा मिले, क्योंकि फसलों में इस बार ओलावृष्टि से बहुत बड़ी हानि हुई है। जिन किसानों ने इंश्योरेंस करवा रखा था अपनी फसल का, उनको सरकार क्या देगी? नहीं, जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में, बीमा कंपनी में प्रीमियम भरा हुआ है, जिन्होंने पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दिया हुआ है, उनको तो कंपनी से पूरा मुआवजा मिलेगा। कंपनी और सरकार दोनों देंगे उनको मुआवजा? दोनों नहीं, जिस किसान को पोर्टल पर उन्होंने भरा हुआ था कि मैंने इतने किले में सरसों बोई थी और वो नुकसान हो गया, वो कंपनी देगी मुआवजा। जो किसान की पोर्टल पर फसल का ब्यौरा नहीं था उसको हरियाणा सरकार देगी। मतलब जिस काफ़ी समस्या ये आ रही है कि किसी ने माल में लेके बो रखा है, उन किसानों को कैसे सरकार सुविधा देगी? नहीं, जो फसल का, प्रदीप आप जानते हैं कि गिरदावरी, जो स्पेशल गिरदावरी हुई है, वो गिरदावरी गिरदावर, पटवारी और जोता, वो खेत की म्याड़ पर खड़े होकर के उनको लिखना होता है कि ये खेत, ये खेवट नंबर, ये खसरा नंबर राम सिंह ने बोया है। गिरदावरी, मौके की गिरदावरी और जो फसल को ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से जो हानि होती है और उसकी जो स्पेशल गिरदावरी होती है, वो खेत में खड़े होकर के गिरदावरी होती है और जिसने फसल बोई है उसके नाम वो गिरदावरी होती है। अब की बार सरकार ने ये अच्छा काम किया, अभी जिसने बोई है उसी को पैसा, उसी को पैसा। अच्छा सर, कब तक ये मुआवजा सरकार है किसानों को? मुझे लगता है कि अप्रैल का महीना है जी। और मई 25 तक किसानों को, हाँ, मुझे लगता है कि ये गिरदावरी वगैरह सब हो गई है, सरकार तक पहुंच गई है। आज जैसे कृषि मंत्री ने बताया कि मई महीने में किसान को मुआवजा मिल जाएगा। सर, अभी हाल ही में आप 148 बी तो रोड होता था, उस पर आप गए थे, आपने निरीक्षण भी किया, तो कैसा लगा, क्या कुछ रोड पे काम चल रहा है? वो जिस कंपनी ने ये 148 बी का ठेका लिया हुआ है, वो कंपनी पूरी ताकत से और पूरी सड़क पर उसने काम जोड़ रखा है, आदमपुर से लेके नारनौल तक, आपने भी देखा होगा। और मैं पाली में, क्योंकि पाली बाबा जयराम दास का धाम है, साल में 5-10 लाख लोगों का मेला लगता है। मैं पंचायत लोगों ने कहा कि भाई इस पर या तो एलिवेटेड रोड बने या साइड में कोई रोड बने, सर्विस रोड बने, और पाली से जेरपुर रेलवे स्टेशन को भी सड़क वहीं से जाती है, पालड़ी को भी वहीं से जाती है, स्टेडियम को भी सड़क वहीं से जाती है। तो मैंने, दहिया जी आए थे चीफ इंजीनियर और हंसराज जी थे आर के जैन की, और बाबा जयराम दास के यहाँ हमने धोख लगाई
और उनको वो सारे पॉइंट दिखाए कि ये इन पॉइंट्स को अतिरिक्त सुविधा दी जाए ताकि जाम ना लगे, ताकि ट्रैफिक ना रुके और जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना हो। इस रोड पर एक बहुत बड़ा आयाम घोषित हुआ था IMT के नाम से, उसकी अगर बात करें तो वो कब तक धरती पे आ पाएगा? के प्रदीप, IMT का उद्घाटन 24 फरवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी थी और उसके बारे में चंडीगढ़ जाके मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है और CM ने इस बार भी कहा है कि मेनका जी जो इसका MD है HSIDC इस काम को देख रही है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि जी ये फसल कटने के तुरंत बाद मई में एक कोई हाई लेवल की मीटिंग करें और IMT के ऊपर युद्ध स्तर पर काम शुरू करें। लोगों का कहना है कि पिछली बार जब चुनाव था तब IMT आई और अब की बार जब चुनाव होगा तब फिर से IMT की बात करेंगे, तो इस बात को आप कैसे गलत साबित करें? देखो प्रदीप, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। अब जैसे माधोगढ़ का किला है, वहाँ 400-500 लोग रोज आते हैं। ये महकमा बहन किरण चौधरी के पास था तो उनकी जेल है वहाँ, और हमने युद्ध स्तर पर किले तक सड़क, रानी महल पूरा तैयार, रानी तालाब तैयार है, 126 करोड़ की जो राजावास की वाटर सप्लाई स्कीम है, बड़ा फायदा दिया। अब लोग देखने आते हैं, 30 एकड़ ज़मीन में 40 फुट गहरा 1 करोड़ लीटर पानी रोज़ वो स्कीम सप्लाई कर रही है 27 गांव 9 ढाणियों को। हरियाणा में इससे बड़ा पानी का स्टोरेज और कहीं नहीं है। दोहान नदी आपके सामने है, दोहान नदी में पानी आने से 40 गांव में वाटर लेवल कितना ऊपर आया है। निम्बेड़ा माइनर, ये जो पहाड़ के साथ गांव थे, दूलोठहीर से लेकर के 16 ढाडोत, बलाना और राजावास, उस्मापुर, जेरपुर, मांडुला, ये जो पहाड़ के साथ साथ के अपने गांव थे, इनमें सिंचाई का कोई नाम ही नहीं था। आप देख के आए, निम्बेड़ा माइनर 30 करोड़ रुपया लगा के आज चालू हालत में है। आज इन गांवों में जो सरसों की पैदावार है वो आप देखें कितनी ज़्यादा हुई है। तो हमने जो इलाके की मेन समस्याएं थी उनका स्थायी समाधान किया है। और भाई लोग तो हैं, अब देखिए कुछ लोग तो वो अशरफ कीर, वो अतीक के भाइयों ने उमेश पाल के बच्चों को मारा और वो किस तरह से 2 पुलिस के जवान शहीद हुए और अब उसको सजा मिल रही है, तो कुछ लोग तो इसका भी एतराज़ कर रहे हैं। अगर विधानसभा की बात करें, हर विधानसभा में सारे रोड बनाए जा रहे हैं, इधर 148 भी होता था, उधर 152 डी बन गया, फिर नेशनल हाईवे नंबर 11, लेकिन इस तीनों को जो रोड जोड़ता है अटेली महेंद्रगढ़ रोड, उसका बड़ा बुरा हाल है। हाँ, उसके बारे में कम सोचा जाए। जैसे महेंद्रगढ़ से सेलन पर काम चालू हो गया और ये दोनों 152 डी और 148 बी, ये दोनों जो सड़क हैं ये महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहे हैं। इस पर कट था भूचावास में और एक चिट्ठी अनिल भाड़की का सरपंच ले गया था, मैं गडकरी जी का बहुत आभारी हूँ, 6 किलोमीटर में उन्होंने 2 कट दिए। और ये महेंद्रगढ़ से अटेली की सड़क है, महेंद्रगढ़ से सेलन पर काम शुरू हो गया है, बाकी भी जो सड़कें अपने कार्यकाल में बनी थी उन पर सब पर अब आने वाले दिनों में काम शुरू होगा। एक सड़क है जिस पे आप खुद गए थे, आपने नारियल भी फोड़ा था, राज गार्डन के सामने, आज वो समस्या बनी हुई है लोगों के लिए और लोग हमें भी ताना मारते हैं कि आप लोग वहाँ गए थे, आप लोगों ने नारियल फोड़वाया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं। उस पर काम तो आधा काम हुआ है, उसमें एक दिक्कत थी, कुछ कर्मचारी नगर पालिका में मुझे लगता है कि वो अगले हफ्ते में उस पर शुरू हो जाए।
सर अगर बात करें खोखा व्यापारियों की, चुनाव नगर पालिका का था उससे पहले आप गए थे, आपने धरना समाप्त भी करवाया था, लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं, उन्हें कोई जगह नहीं मिली। उनका ना पिछली नगर पालिका की बैठक में जिनके पास नगर पालिका की पर्ची थी उनको सबको अल्टरनेट जगह नगर पालिका देगी, ये नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर दिया। शहर में एक और जगह है देवीलाल पार्क नाम से, बहुत समय पहले 7 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 6 महीने के लिए कहा गया था कि बहुत भव्य पार्क बनेगा, लेकिन आज वहाँ लोग शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, देवीलाल जी की जो मूर्ति है उस पर पोस्टर लगे हुए हैं, लोन के लिए संपर्क करें इस प्रकार के, तो उस बारे में आपने कभी ध्यान दिया? नहीं, मैंने भी देखा कल उस पार्क की भी, जैसे कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती थी तो उसके लिए हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर एक छतरी, एक लाइट का प्रबंध, इसी तरह चौधरी देवीलाल पार्क को भी अब उसको पौधे घास ये उसको उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। नगर पालिका को बने काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अब भी नगर पालिका में अभी मंत्री जी आए तो बोले भाई इस बजट को ख़त्म करो उसके बाद बजट मिलेगा, लेकिन चेयरमैन साहब से बात हुई बोले बजट तो पहले से अंगेज है, जो काम चल रहे हैं उनको देना है, तो आगे से बजट नहीं आ रहा, काम नहीं चल रहा, तो उस बारे में बजट लाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ना, कमल गुप्ता जी तो आपके सामने आए थे, जब भी कोई मंत्री ज़िले में आता है तो अपने घर आता है, और कमल गुप्ता तो बहुत अजीज़ हैं। नगर पालिका में बजट के कारण कोई काम हम रुकने नहीं देंगे। अभी कल परसों बजट की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे स्पेशल रमेश सैनी ने कहा कि भी नगर पालिका में बजट नहीं है, और उन्होंने आगे से ये ऑर्डर आया है ये जो बजट अकाउंट में है उसको ख़त्म करो, मतलब पेमेंट लोगों को करो, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं है, कैसे पेमेंट करें, तो कह रहे हैं पेमेंट ख़त्म नहीं होगी उससे उसके बाद ही पेमेंट आएगी। उसमें ना प्रदीप ऐसा होता है कि ये चुना हुआ जो सिस्टम है ना, नगर पालिका ऑटोनॉमस बॉडी है, उसका अपना बजट है, जैसे विधानसभा हरियाणा सरकार का बजट प्रस्तुत करती है ऐसे ही नगर पालिका करती है। पीछे जो नगर पालिकाएँ थी उन्होंने बहुत चालाकी से चतुराई से सारे बजट को खुर्द-बुर्द कर दिया। कुछ अधिकारी ऐसे आए जिन्होंने ठेकेदारों की इन एडवांस पेमेंट कर दी, काम शुरू नहीं हुआ, काम आधा अधूरा है, क्वालिटी ऑफ जॉब इतना निकम्मा है, पर फिर भी आप जानते हैं ना एक भ्रष्टाचार के तहत इन एडवांस पेमेंट कर गए। जैसे लोग घूमते हैं गांव में, बातचीत होती है क्योंकि चुनाव आने वाला है, रावदान सिंह अगर कहीं मिलता है लोगों को तो उससे बात कर सकते हैं नॉर्मली, लोगों ने कहते हैं भाई दान सिंह का कपड़ा भी पाट दे वो किमी ना है, लेकिन रामविलास शर्मा जी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, इसलिए लोगों में भी कुछ कमी दिखाई देती है जो जुड़ाव है उसमें, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं मैं तो अभी देखो सड़क पर रहता हूँ मैं तो 24 घंटे, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ गाँव में जाते हैं, तो वहाँ ये बात मेरे को सुनने को मिली, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। नहीं, दो बातें हैं ना जी, राव दान सिंह तो पर्यटक हैं यहाँ, मैं तो 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, और ये जो बात है ना, अब जैसे मैं कल भी कार्यक्रमों में था, कल बचीनी में अंबेडकर जयंती में था, 10 घरों में वहाँ चाय पिया, मेरा जो जनसंपर्क है, एक उल्टी बात भी लोग कहते हैं कि भाई दादो तीसरी पीढ़ी ने जाना से, मेरे यहाँ एक दो जगह लोगों ने, संतोष जी मेरे चुनाव में आए थे तो वो गांव में गए, बोले तू के बात कर रहे हो सब बाबा की, बाबा तो हमारी भैंसिया का सिंगा नहीं पिछाना से, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहीं बड़े, इन्हें ने 5 बार MLA बनाया, सुख दुख में शामिल हुए, तो अब जो बच्चे होते हैं, अब मैं बुजुर्गी उसमें भी तो आ गया ना जी, तीसरी पीढ़ी में, अब जैसे ये बनवारी मुकदम बैठा था बुढ़ीण का, इसका बेटा भी था, इसका पोता भी था, इसके खेत में मैंने कभी सरसों बोई थी, आज वो सारा काम जानता है।
भी चुनाव आने वाला है, किस प्रकार से तैयारी रहेगी? चुनाव 2024 में प्रदीप, इस समय देश दो भागों में बट गया। एक तो आप 9 साल से विपक्ष की भूमिका में, ममता दीदी है, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, कुल मिला के 9 साल में कोई आदमी लेखा जोखा करे, इन सब में एक बात कॉमन फैक्टर है कि नरेंद्र भाई मोदी को बेहुदी से बेहुदी गाली कौन दे सकता है, इसमें एक कंपटीशन हो रहा है। अब केजरीवाल को 2 बार तो उसने माफ़ी मांग ली, एक सूरत की अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, एक 2 व्यक्ति उसके जेल में हैं, पंजाब सरकार में एक मंत्री इनका जेल में है, अमृतपाल सिंह अमृतसर जिले के अजनाला थाने में 3 घंटे थाने में रहा और 1,000 पुलिस कर्मियों के अधिकारियों के सामने से एक कोई फ़ोन आया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। पंजाब हरियाणा के माननीय हाईकोर्ट ने पूछा है कि 80,000 पुलिस कांस्टेबलरी अधिकारी IAS IPS और अमृतपाल को छोड़ दिया, क्या मजबूरी थी? वो कुमार विश्वास ने चुनाव से पहले एक उद्घाटन किया था कि खालिस्तानियों से ये लेन देन हुआ है। अब कल CBI ने वो जो बात कही, सत्येंद्र जैन ने और सिसोदिया ने, ये तीनों को जब आमने सामना कराया और जब पूछताछ हुई तो दोनों ने कहा कि भाई हम तो मुख्यमंत्री तो केजरीवाल हैं, हमने जो कुछ भी किया वो मुख्यमंत्री के आदेश से किया। परफॉर्मेंस को लोग मानते हैं ना जी। आज हिंदुस्तान का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गरीब आदमी जब नरेंद्र मोदी को कोई गाली देता है तो गरीब आदमी ये गाली अपने आप को समझता है। और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी को हिंदुस्तान के हाड़ी ने पाड़ी ने गांव ने गरीब ने किसान ने अपना प्रधानमंत्री मान लिया, BJP को अपनी पार्टी मान ली।